नमस्कार दोस्तों, फेस्टिवल को लेकर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के एप्लीकेशन पर तगड़े लेवल का सेल आने वाला है। और यहाँ पे दो ऐसे स्मार्टफोन है जो कि आपको मिलने वाला है अंडर 20K में। और ये जो स्मार्टफोन है इसका स्पेसिफिकेशन काफी तगड़े लेवल का है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और 20K में कैसे मिलेगा इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू आपको समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पे दो स्मार्टफोन है, पहला है पोको F4, फिर है रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है अंडर 20K में और इस बात को मेंशन किया गया है फ्लिपकार्ट और अमेजन के एप्लीकेशन पर। कैसे पॉसिबल होगा इसी के बारे में बात करेंगे और दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए चाहे रेडमी का स्मार्टफोन हो या फिर पोको का स्मार्टफोन हो, दोनों कंपनी के कुछ ऐसे स्मार्टफोन रह चुके हैं जिसमें मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आया है, जिसके बारे में आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर जो रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन है, ये फोन डिस्काउंट करने के बाद मिलने वाला है अंडर 20K में, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। उसका जो पोको F4 है ये भी मिलने वाला है अंडर 20K में। दोनों फोन इस प्राइसिंग में काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें पोको F4 के बारे में तो पोको F4 का स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छा है बिकॉज वहां पर एमोलेड डिस्प्ले है और देने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर। वैसे यहाँ पर जो रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन है इसमें दिया गया है LCD डिस्प्ले और देने को मिलता है मीटर का डायमेंसिटी 8100 वाला प्रोसेसर, जो प्रोसेसर काफी तगड़े लेवल का है। मतलब दोनों फोन में सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है और डिस्प्ले का फर्क है, बाकी स्पेसिफिकेशन दोनों फोन का काफी सिमिलर है। मतलब कैमरा वगैरह भी दोनों फोन का काफी सिमिलर है और प्राइसिंग भी काफी सिमिलर है। आप यहाँ पे देख पाओगे दोनों फोन का मेंशन किया गया है कि मिलने वाला है अंडर 20K में, तो अंडर 20K में दोनों फोन काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा इसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन है, ऐसा स्पेसिफिकेशन अदर कंपनी भी प्रोवाइड कराती है लेकिन उसका प्राइसिंग इतना कम नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो IQ Neo से अच्छा स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन में सिमिलर स्पेसिफिकेशन है लेकिन वो फोन देखने को मिलेगा 26K में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। और एक्सचेंज ऑफर ऐड करने के बाद IQ Neo 6 पड़ने वाला है 23K का। उसको रियलमी ने भी अपने एक स्मार्टफोन को लॉन्च किया है जो कि है GT Neo 3T स्मार्टफोन। ये फोन डिस्काउंट करने के बाद पड़ने वाला है 23K का और इस फोन पर कोई भी एक्सचेंज बाउंस नहीं है। जबकि ये चारों फोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं समान है, लेकिन यहाँ पर जो रेडमी K50i स्मार्टफोन है इस पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिलेगा और सिमिलर डिस्काउंट आपको पोको F4 पे भी मिलने वाला है। और इन दोनों का जो फोन है इसमें मदरबोर्ड का इशू आ जाता है, इसीलिए आप जो है बाय करने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। वैसे जो पोको F4 है इसके साथ आपको मिलने वाला है 2 ईयर का वारंटी, मतलब ऑन पेपर मिलता है 1 ईयर का वारंटी और मिलने वाला है 1 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी। तो देखिए फोन काफी सस्ते मिल रहा है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितना टाइम तक चलेगा ये सबसे बड़ी बात हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें कि डिस्काउंट किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर जो रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन है इस पर होगा डिस्काउंट, सबसे पहले होगा बैंक ऑफर, उसके बाद अमेजन कूपन भी हो सकता है, उसके बाद होगा एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज करने के बाद रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है अंडर 20K में और सेम क्राइटेरिया होने वाला है पोको के साथ भी। वैसे यहाँ पर जो रेडमी K50i स्मार्टफोन है इस पर आपको मिलने वाला है SBI बैंक के साथ डिस्काउंट। अगर हम बात करें पोको के बारे में तो पोको को यहाँ पर मेंशन किया गया है ये फोन मिलने वाला है अंडर 20K में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस पर भी डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का मिलेगा, आप यहाँ पर देख पाओगे। इसका जो बेस वेरिएंट है इसका प्राइसिंग है 28,000, इस पर सबसे पहले मिलेगा प्रीपेड ऑफर, उसके बाद होगा बैंक ऑफर जो कि होगा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ, उसके बाद होने वाला है एक्सचेंज बाउंस। और यहाँ पर जो एक्सचेंज बाउंस होगा वो काफी अच्छे लेवल का होगा, तभी जाके ये पुड़ने वाला है अंडर 20K का। मतलब यहाँ पर जो अंडर 20K मेंशन किया गया प्राइसिंग इसमें एक्सचेंज बाउंस को भी ऐड किया गया है, मतलब एक्सचेंज करने के बाद ही ये दोनों फोन मिलने वाला है अंडर 20K में, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी तगड़े लेवल का है और अदर कंपनी आपको ऐसा स्पेसिफिकेशन इतने कम प्राइसिंग में प्रोवाइड नहीं करा पाती है। अगर हम ऐसे कंडीशन में बात करके कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा, तो यहाँ पर जो पोको F4 है ये ज्यादा बेटर हो सकता है बिकॉज इसके अंदर आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन का जो 870 है ये काफी स्टेबल प्रोसेसर है, उसके बाद इस फोन के साथ मिलता है 2 ईयर का वारंटी, इसीलिए भी ज्यादा अच्छा हो जाता है पोको F4। तो बस आज के शुरू में बताना था, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके समझ में होगा। इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।